प्राचीन भारत में परमाणु विस्फोट के अन्य और भी अनेक साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिव राख की मोटी सतह पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला है जिसके पास समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8,000 से 12,000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। क्या है ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म का अस्त्र। ब्रह्मास्त्र एक दिव्यास्त्र है जो परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिदिन के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। इस शस्त्र को शास्त्रों में सबसे विनाशक शस्त्र का दर्जा प्राप्त है। रामायण और महाभारत काल में इस शस्त्र का वर्णन मिलता है जिसमें हमें इसकी मारक क्षमता का पता चलता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो तब समझ लेना चाहिए कि प्रलय ही होने वाली है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। रामायण और महाभारत में भी परमाणु का बम का प्रमाण हो सकता है कि दुनिया का पहला परमाणु बम महाभारत के युद्ध में चला हो। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 का बीच वैज्ञानिकों ने एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। एक शोध कार्य से विदेशी वैज्ञानिकों को पता चला कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का उपयोग हुआ था। पुणे के डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्धक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के सामने ही था। डॉक्टर वर्तक ने 1969 से 70 में एक किताब लिखी स्वयंभू, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण ने भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी।